किस रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है। एक भाई देख एक भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख हाँ, देख भाई देख, जमाना है रंगीन। मैंने एक रास्ता निकाल दिया। ये रास्ता किधर जाता है मम्मी? तुम्हारे सुरक्षित भविष्य की तरफ। कहाँ है ये रास्ता? तुम्हारे मियाँ की अलमारी में। हाँ, वो मेहता जो 2.5 लाख रुपए देकर गया है ना, उससे तू शेयर्स खरीद ले। कैसी माँ हो, अपने बेटी को चोरी करना सिखा रही हो, वो भी अपने पति के पैसे। बेवकूफ कही गई, इसीलिए कहती हूँ कि उन पैसों से शेयर्स खरीद ले। जब अपने आप 2 का 5 हो जाएगा ना, तो तेरा पति खुश हो जाएगा। हाँ मम्मी, अगर मेरा पैसा भविष्य में मेरे सोमू के काम आएगा तो मैं करूंगी, उसकी खुशी के लिए चोरी भी करूंगी। ना मम्मी। अरे हाँ मम्मी। अरे बेटी, ठीक पे क्यों अपनी माँ को टॉर्चर कर रही है, जा वो आता ही होगा। अच्छा मैं बाहर जाती हूँ, तुम उससे निपटो। अरे रे रे, बाहर कहाँ जा रही है, ऊपर जा और पैसे ले आ। अच्छा मम्मी। क्या करती है ये लड़की, क्या पता। अरे चल आ जा। ला ला, शाबाश बेटी। अरे बुरे काम के लिए शाबाशी दे रही हो, कैसी माँ हो। अपना भविष्य बनाना क्या बुरी बात होती है। मेरी बात मानो मम्मी, मैंने सुबह सुबह एक बहुत भयानक सपना देखा है। क्या? कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई है और जमानत भी नहीं ले रही है। अच्छा है अच्छा है, मालूम सपने हमेशा उल्टे होते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। देख भाई देख, गाड़ी देख, ठीक 2 बजे लाए कि नहीं। आइए बैठिए। देख बेटा, मेरी बेटी को ऐसे शेयर्स दिलाना जो दिन दुना और रात चौगुना लाभ हो। अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो माँ जी, ऐसा ही शेयर दिलवाऊंगा। अरे कंपनी का नाम तो सुनो, लक्ष्मी कुबेर इंटरप्राइजेस। लक्ष्मी धन की देवी, कुबेर धन का राजा। देख भाई देख भाभी जी, आपका 5 लाख से कैसा 25 लाख बनाता हूँ। 5 लाख? अपने को मालूम औरत लोग बिचारी लोग के पास जास्ती पैसा होता नहीं है ना। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 लाख है, और ये भी बड़ी मुश्किल से चोरी छिपे। चुप। 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। 2 लाख से क्या होएगा माँ जी, इसका प्रॉफिट से तो बच्चा लोग का ट्वाइस भी नहीं आएगा। कल बोला था ना आपको, जब तक शेयर का रेट बढ़ेगा तब तक तो बच्चा लोग भी बड़ा हो जाएगा ना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, इसका रेट तो जेट का स्पीड से आगे बढ़ेगा, 15 दिन के अंदर। जो हमारे पास था वो दे दिया। तो फिर जाने दो ना मम्मी, फिर कभी दूसरा कोई शेयर। नहीं नहीं भाभी जी, इतना अच्छा सोना हर बार थोड़ा मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को 3 लाख रुपया लोन दे देता हूँ। मगर भाई साहब आपसे पैसे दे। भाभी जी प्रॉफिट आएगा तो लौटा लेना, हम कौन सा सर पे सवार रहने वाला आदमी है। बेटा आप ऐसा करोगे जीते रहो खुश रहो। आपका फायदा होगा तभी तो अपना भी फायदा होगा ना। तुम एक काम करो, इस बार साइन मार दो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है भाभी जी, व्यवहार है। ना मम्मी तुम ही करो। अरे कोई भी करे, अपने को सब चलता है। देख भाई देख भाभी जी, सब दुनिया अपना अपना माँ को अच्छा मानता है, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम्हारा माँ से अच्छा तो मेरा भी माँ नहीं है। अच्छा माँ जी चलता हूँ, 15 दिन के अंदर ऐसा प्रॉफिट दिलाऊंगा कि आप मेरा पीठ ठोकेगा। अच्छा नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे जी भाभी, अरे सोनू रे, बच गया मैं बिल्कुल बच गया। ऊपर वाला का शुक्रिया। अरे बात क्या है, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बच गया मैं बच गया मैं बाल बाल बच गया। बच
समीर का डांस हो रहा है इस घर में बाहर। अरे ऊपर वाले का शुक्र है, देख लीजिए भाभी मैं बच गया, मैं बच गया। फौरन क्या हुआ? अरे सुनो रे, तेरा सुमुख बच गया रे। भगवान का शुक्र है। थैंक यू भाभी, मेरी मौत भी तुझे लग जाए। अरे थैंक यू भाभी जी। आजकल तो इंसान घर से बाहर जाए तो उसके लौटने की गारंटी नहीं होती। अरे इस जोकर को कितनी बार बोला है कि जब बाहर जाओ तो ड्राइवर को साथ लेके जाया करो। और क्या, आजकल के बस वाले तो अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं। ये ट्रक वाले भी कम नहीं होते दीदी। हाँ शराब पी के ट्रक चलाते हैं। अरे बुद्धू बच गया मतलब वो बच गया नहीं, बच गया मतलब सचमुच का बच गया। अरे मतलब तुम बचे किससे? मेहता से। मेहता से? अरे कोई मेरे पीठ ठोकर है, कोई मुझे शाबाशी दो। अरे गाड़ी जी मुझे अपने गोद में सुलाइए, भाई मुझे चूमिए। अरे क्या फायदा उठाया मैंने उस मेहता के बच्चे से, अगर वो 420 है तो मैं 840। वो मेरा 1-2 का 4 करना चाहता था, मैंने उसका 4-2 का 1 कर दिया। जब उसने 8 दिन के अंदर 2 लाख रुपए के अंदर मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिलाया, तभी मैं समझ गया कि में काला नहीं कंबक पूरी दाली काली है। इसलिए उसके लाख लालच देने पर भी मैंने लक्ष्मी कुबेर एंटरप्राइजेस के शेयर्स ही नहीं खरीदे। बहुत अच्छा गया। फ्रॉड कंपनी थी, बंद हो गए। बंद हो गए क्यों? वेरी गुड वेरी गुड। अरे चाची क्या वेरी गुड कर रही हो? बेचारे कितनों के पैसे डूब गए होंगे ना। डूबने भी चाहिए, करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। बेटी ऐसा क्यों कहती हो? क्यों कहती हूँ, लोग ऐसा करते क्यों है? ठगों की बात में आ जाने से नाक किसकी कटती है, अपनी ना। भगवान ऐसी नौबत आएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन करने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी औरत को ना मर जाना चाहिए, और अगर जल्दी मर जाओ तो अच्छा है, ऊपर लगता भी नहीं है। देखो फांसी लगानी थी तो पहले कहा होता, करीमा से के ढंग से रस्सी लगवा देती। शर्म नहीं आती? पहले तो लेके मेरा भविष्य फूंक दिया, अब पुलिस पुलिस का चक्कर चला रही हो? तुम लोग क्या मुझे सचमुच पुलिस के हवाले कर दोगे? सुसाइड का मामला होगा तो पुलिस नहीं आएगी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी, दूध का कर्ज वसूल कर रही हो क्या? माँ बेटा को गलत सलाह नहीं देती, माँ को बेटी की फिक्र लगी रहती है। मैं सब समझती हूँ, तुम पहले माँ नहीं पहले औरत हो, और औरत औरत से जलन रखती ही है। तुमने मेरे सुखी जीवन से जल कर मुझे बहका कर उसमें आग लगा दी मम्मी। चाची बोल क्यों नहीं रही है? डिसमिस बोल इडियट। डिसमिस। चाची तू यहाँ अकेले स्टैचू क्यों खेल रही हो? नहीं नहीं, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, सोया नहीं अभी तक? नहीं नहीं सो जाऊंगा तो शायद टाइम पे उठ नहीं पाऊंगा ना। मतलब मैं सुबह 5 बजे जॉगिंग जा रहा हूँ। अच्छा क्यों? वेरी गुड वेरी गुड। चाची सुबह शिल्पा जॉगिंग जाती है ना, तुमको तो पता वो मेरे साथ फोन पे बात ही नहीं करती, तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने सोचा मैं वहीं जाकर उससे मिल लूं और वहीं बात कर लूं। अच्छा आइडिया है ना। छोटी नानी यहाँ क्यों सो रही है? पता नहीं, मैं भी यही जानना चाहती हूँ, अब जगा कर पूछना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए खड़ी हूँ, जागेंगी तो पूछ लूंगी। तूने कुछ सुना क्या? कैसे से सुन रहा है? चाची सुपर म्यूजिक। चाची अगर मुझे म्यूजिक नहीं सुनूंगा तो सो जाऊंगा ना, इसलिए सुन रहा हूँ। अच्छा तुम सुनोगी? नहीं नहीं मुझे नहीं सुना, तुम सुनो। हाँ शिल्पा को भी सुना ना। जा जा जा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। लेट गई, देखा देखा। अरे बेटी ये तो दुनिया है, किसी को ऐसे नींद नहीं आती और किसी को वैसे नींद नहीं आती, इसलिए मेरी भी नींद उड़ा दी। बोलो कल को समीर को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे बेटी मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने भी लायक नहीं रही। देखिए मैं समीर को पता लगने नहीं दूंगी, उस पाजी से मैं खुद निपट लूंगी। तुम निपटोगी, वो तुम्हें फिर बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। कैसे निपटोगी तुम उससे? मैं अपना औरत होने का फायदा उठाऊंगी। जी मम्मी। वो ऐसे नहीं, मैं उसे डराऊंगी कि मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट करूंगी कि उसने मुझ औरत को बेवकूफ बनाया, भविष्य की लालच दी, सुनहरे सपने दिखाए, और मैं भोली बेवकूफ उसकी बातों में आ गई और उसने मुझे लूट लिया। जी मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे हाय रॉ, ये मैंने क्या किया? Oh my God, शाम के 5 बज रहे, मैं दिन भर सोते रहा। करीमा करीमा कहिए।
मुझे सुबह जगाया क्यों नहीं? सोते को जगाया जाता है, बेहोश को थोड़ी ना जगाया जाता है। तुम तो ऐसे सोए थे जैसे गधा घास खा के सोता है। तो फिर सोए क्यों? चाची 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 कहाँ हो? क्या क्या है क्या है? ओहो, मुझे सुबह 5 बजे शिल्पा को मिलने जॉगिंग जाना था, फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? वारे वारे वाह रोमियो के बच्चे, तू तो कह रहा था सारी रात जागेगा, फिर नींद कैसे लग गई? वही तो नींद कैसे लग गई मुझे, मैं 4:30 बजे तक म्यूजिक सुन रहा था और फिर कैसे सो के मुझे भी नींद पता। माय गॉड, शिल्पा मेरे हाथ से निकल जाएगी, वैसे उसने मुझे इतने कम चांस दिए, मुझसे बात भी नहीं करती है फोन पर। माय गॉड, अब उसे अगर कोई और मिल गया तो मेरा क्या होगा चाची? घबराता क्यों है? शिल्पा रोज ही जाती होगी ना जॉगिंग करने, कल मिल लेना, अब एक दिन में तेरी शिल्पा बुड्ढी तो नहीं हो जाएगी। अब सुबह फिर से नहीं उठा तो शाम को जॉगिंग नहीं होती है क्या? यस, व्हाट एन आईडिया। अरे करीमा चाची, मेरे को चांस मिल गया। अरे मम्मी मम्मी, तुम ठीक तो हो? अरे मैं ठीक क्या और खराब क्या बेटी। नमस्ते माँ जी। चुप, बकवास बंद कर और मेरा पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मुझे भविष्य का लालच दिया और सुनहरे सपने दिखाए और फिर औरत समझकर मुझे लूट लिया। राम 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 राम, कैसा बात कर रहे थे माँ जी? अपना उम्र देख, मेरा उम्र देख, कौन यकीन करेगा? वो मतलब नहीं था, तुमने 75 लाख रुपए का लालच नहीं दिया था? हाँ। उज्जवल भविष्य के सपने नहीं दिखाए थे? हाँ। 2 लाख रुपए लूट कर ले नहीं गए थे? देख भाई देख भाभी जी, अपन चोर नहीं है क्या? 2 पैसा के खातिर मगज मानी करता है, अपना भी तो कई लाख का खर्चा हो गया। 2 कौड़ी का ब्रोकन है, क्या खाएगा क्या पकाएगा? आप लोग तो बड़ा लोग हैं, सह लेगा। अच्छा, तो बड़ा लोग समझकर तुमने हमको लूट लिया। मैं कुछ भी नहीं दूंगी, जा जो करना है कर ले। देख भाई देख माँ जी, गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं करने का। अरे अपना तो जोरू छोड़ के भाग जाएगा, बच्चा लोग को तू जो मर्जी कर, मेरा पैसा वापस कर दे। देख भाई देख भाभी जी, 3 लाख का पूरा नोट लिखा है, हैं? अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? क्या बोला? धमकी देता है, कोर्ट में ले जाएगा हम लोगों को। मैं देखती हूँ क्या करता है। अरे बाबा बाबा, ये सब क्या हो रहा है? नमस्ते समीर भाई। नमस्ते मेहता, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख भाई देख समीर भाई, मेरे को डूबने से बचा, ये माँ जी के कहने पर भाभी जी के लिए 5 लाख का शेयर खरीद लिया मैंने। कौन सा शेयर? लक्ष्मी कुबेर एंटरप्राइजेस। अरे जिस कंपनी के शेयर्स मैंने नहीं खरीदे वो तूने मेरी सास को छेप दिए। देख भाई देख समीर भाई, अपन तो ब्रोकर आदमी है कि नहीं? शेयर खरीदना बेचना अपना काम है कि नहीं? मैं तो माँ जी को बोला, माँ जी 2 लाख है तो 2 लाख का लो, 5 लाख का लेने का क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, माँ जी बोली मुझे तो 5 लाख का ही चाहिए। झूठा झूठा। नहीं नहीं भाभी जी, रोजी के लिए झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, इसीलिए तो समीर भाई मैंने अपनी तरफ से 3 लाख लोन दे दिया माँ जी को। अरे फ्रॉड शेयर्स तो शेयर्स, तूने 3 लाख के लोन के झांसे मेरे सास को फंसा दिया। इतना तुम्हारी दोस्ती के खातिर क्या समीर भाई? दोस्ती? तेरे दिन पूरे हो गए मेहता, पूरे हो गए तेरे दिन। समीर भाई इनसे मिलो, हाशिम भाई माहिम से लेके भिंडी बाजार तक, क्या रुवा भाई इनका। और ये शक्ति भाई बरसोवा से लेके सायन कोली वाड़ा तक, एक एक आदमी थर 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 कांपता है इनसे, किसी को ठिकाने लगाने का हो ना तो बोलना। वैसे तू कौन से एरिया में रहता है मेहता? मजाक करे छे समीर भाई, मजाक करे छे। ए समीर भाई, मुझ गरीब को डूबने से बचाना समीर भाई, अपन ने तो भला ही चाहा था, लेकिन ये लक ने लफड़ा कर दिया, मेरा 3 लाख माँ से दिला देना छे। तो मेहता तू मुझे 2-4 दिन का मोहलत दे सकता? अरे समीर भाई, मैं तुम्हारे को 8 दिन का मोहलत दूंगा, ऐसा बात नहीं है, दोस्त का दोस्त है समीर भाई अपन। अच्छा चलता हूँ, फोन करूँ के आ जाऊँ? ऐसा कर मेहता, तू संडे को आ ही जा। तुम बड़ा माय डियर पर्सन है समीर भाई, बड़ा माय डियर पर्सन, तुम्हारा चरण किधर है? समीर भाई संडे को आता हूँ, चलो दोस्तों। तूने तो कहा था कि मजा आएगा, मजा तो आया ही नहीं। अटे गेंडो, यहाँ नहीं आएगा वहाँ आएगा, चलो। मजा वहाँ नहीं बेटा, मजा तो यहाँ आएगा, बस तो देख भाई देख। किस मनोज गड़ी में घर से निकली थी तो अपना मुंह काला करा के जा रही हूँ? ये मेहता तो दलाल है ही, लेकिन मैंने क्यों दलाली की? कौन है? हो गई छुट्टी। चोर, 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 चोर,
बाहर निकल। हाँ वरना फोड़ के रख दूंगा तेरी टक्कल। छोटी नानी छोटी नानी बात क्या है अंत जी? मम्मी आप रात में कहाँ जा रही थी? जलंधर जा रही होंगी। अरे पर इतना अचानक क्यों? बिना हमें बताए। अरे बताएंगे कैसे, इन्होंने तो अपना पूरा का पूरा मुंह काट दिया। नहीं, बात क्या है भाई? बात क्या है मैं बताती हूं। अरे बात मैं बताता हूं भाई। बात ये है कि मेहता जो है ना हमारा शेयर ब्रोकर, उसने मम्मी जी के भोलेपन का फायदा उठाकर फ्रॉड कंपनी का शेयर ही बेच दिया। ऐसा क्या उस बदमाश ने? उससे भी ज्यादा दीदी, उसने तो 3 लाख के प्रो नोट्स पर मम्मी से दस्तखत ले लिए और आ जाया था गुंडे लेकर अपने पैसे वसूलने। व्हाट? इसलिए आप जा रही थी आंटी जी? मम्मी जी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? नहीं आंटी जी, आपने तो सबका भला ही सोचा था ना। और क्या, और डूब गया तो डूब गया। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के प्यार के काबिल नहीं, मुझे जाने दो। नहीं छोटी नानी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। और क्या, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। क्यों, हमसे कोई गलती नहीं होती क्या कभी? समीर वो जरा मेहते के बच्चे को बुलाना तो सही। अरे बुलाया उसे, आ रहा है संडे को। पैसे लेने? अरे भाई पैसे लेने नहीं, पैसे देने। ओ डन। दीदी आपको अपना नाम तो याद है ना? ओहो हाँ चाची। अरे हाँ हाँ नहीं, आहो 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 चाची। और भाई का नाम? कुलवंत सिंह। हाँ ले लो, कुलवंत सिंह ने बलवंत सिंह को कुलवंत सिंह बना दिया। सारी गड़बड़ करेंगे। Don't challenge me. ओहो, अभी चैलेंज का टाइम नहीं है। समय हमारे सामने सिर्फ एक ही चैलेंज है मेहता, ये दोनों आप भूल ही जाना। अब प्राजी कौन है ये मेहता शोता? आने दो उसे, मैं भी देखूंगी। ले लो, इनसे तो हो लिया। मम्मी का प्रोफेशनल एक्ट्रेस थोड़ी ना है। और तेरे डैडी बड़े प्रोफेशनल एक्टर हैं क्या? मुझे तो डैडी का डर है कहीं बीच सीन में ही ना भूल जाए। एक्शन। नमस्ते मेहता जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। समीर भाई थे, बुलाया था। कल आना, कल। अरे कल कैसे आऊंगा भाई, आज चेक देने को बुलाया था मुझे। अच्छा पूछ के आता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि 9 करोड़ का प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है? ओ भाई साडा कहने है कि प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए और 9 करोड़ का ही करोड़ करोड़ कौन करेगी? विलायत से 2 सरदार आए हैं, समीर चाचा के असामी है, यहाँ पे कंपनी खोलना चाहते हैं। कर लो, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, 9 करोड़ का। जहाँ तक हमारा ख्याल है प्रोजेक्ट जो है ना वो 9 करोड़ का ही होना चाहिए। हाँ मैं भी ठीक है, तड्डी मर्जी। नमस्ते समीर भाई। ओह ये करोड़पतियों के बीच में ये कंगाल कहाँ से अटपका? अबे ओए मेहता के बच्चे तो कहीं भी घुस लेता है, देखता नहीं है करोड़ों के बिजनेस की डील चल रही है। चल तो कहीं भी अटक जाता है। नहीं तेरे को 3 लाख का तेरा चेक चाहिए ना? मैं अभी लाके देता हूँ, चुपचाप से बैठ, यहाँ हिलना नहीं। आ गया ना अस्पताल? अरे आ गया है मम्मी, लेकिन पिटे को बहुत। तुसी की कह रही सी? ओ मैं कह रही सी कि जड़ा 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना ये सानू सूट करता है। नमस्ते जी। सत श्री अकाल। आई मेहता शेयर ब्रोकर। अरे जा जा, मैं दलालों की मुंह नहीं लगती। करीमा ने ठीक कहा था, मम्मी के साथ ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। लगता बलवंता, लगता बलवंता। ले लो, वहाँ तो नाम भी बदल गया। मेरे चाचू मुझे पता था दाढ़ी ही भूल जाएंगे। बलवंता तो आप है ना? असी तो कुलवंता है ना डार्लिंग। ओए साडे बर्मिंघम में ना भाई भाई को डार्लिंग कहते हैं। मैं तो कभी ना जाऊं बर्मिंघम। आप लोग यहाँ नवी कंपनी खोलने आए हैं ना? हाँ आहो आहो। हाँ आहो आहो। लेकिन सरनाथ जी, नवी कंपनी खोलने में तो बड़ो झंझट छे।
के झंझट? 50 तरह का लाइसेंस, 70 तरह का परमिट, 80 तरह का कोटा, 90 तरह का एनओसी। अभी भी इतने झंझट है? हमारे बर्मिंघम में तो बैंक जाओ, पैसा निकालो, कंपनी खोल दो। जाओ ना। ओहो, पहले चूहे को चूहेदानी में तो आने दो। इसीलिए मैं आपको एक आईडिया देना। अरे तू कितना लीचड़ है रे, तो फिर इधर को फिसल दिया। चल 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 यहाँ से, ये ले तेरे लिए चेक, और दफा हो यहाँ से, चलो जा। पानी भी नहीं पूछेगा आज, प्यास लगी। अरे पानी पी, चल आज इधर बैठ, पानी पी, बैठ जा इधर, अरे इधर हिलना नहीं, बैठ जा। पानी मांग रहा है, पता है जब चूहे की मौत आती है ना तो पानी मांगता है। तमिल लोग समीर भाई के फेरा में पड़े हो? अरे उसके फेरा में नहीं रहो, अरे बड़ो खोटो आदमी छे। तुम लोगों को नवा कंपनी खोलने का आइडिया देता है, अरे बुढ़ा हो जाएगा तुम लोग उसके चक्कर में। मैं तुमको बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, एक काम करो, पुराना जूना कंपनी का अखा शेयर खरीद के उसको टेक ओवर कर लो। अरे जा बोर ना कर। ओ नहीं नहीं नहीं, दस दस दस। हाँ, 10 करोड़ का ले लो। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, साल भर के अंदर तुमको 25 करोड़ हो जाएगा। 25 करोड़? ओए तुम्हारे पास कोई हॉट प्रपोजल है? निकोशा इंडिया लिमिटेड, लक्ष्मी कुबेर इंटरप्राइजेस, अरे जेट का स्पीड से उसका रेट बढ़ रहा है। ओए कुलवंत, ये तो बंदा बड़ा कामदा लगता है, इन्हू 50 लाख दे दे। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ नहीं, समीर भाई छे ना। ऐसा करता हूँ, मैं आप लोग के साथ चलता हूँ। कहाँ ठहरा है आप लोग? हम लोग मंजीत के ढाबे में। मंजीत? तो हम तो लोग भाई है ना, हमको मंजी में सोने का बड़ा मजा आता है। फिर एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो वो समीर भाई आ जाएगा ना तो फिर फांदा मारेगा। ए बेटा के बच्चे, मेरे भोले वाले दोस्तों को कहाँ भगा के ले जा रहे रे? अरे समीर भाई, काम हो गया। कौन सा काम हो गया? हमारा आइडिया बदल गया। बदल गया मतलब? ओ समीर भाई, तुम्हारा आइडिया कंडम, मेहता भाई का आइडिया ए वन। अरे मेहता, तूने इतनी जल्दी कौन सा आइडिया बिगाड़ दिया रे? ओ समीर भाई, हम लोग मिल के ना लक्ष्मी कुबेर एंटरप्राइजेस को ओवरटेक कर रहे हैं। लक्ष्मी कुबेर एंटरप्राइजेस? अरे सरदार जी, वो तो बहुत ही फ्रॉड कंपनी है, डूबी हुई कंपनी है, उल्लू बना रहा है घर आपको। क्या बात करता है? क्या कैसा बात करता है? पहले तूने मुझे लूट लिया, अब भोले सरदारों को लूटना चाहता है? मतबल? और क्या, पहले तूने मेरी सास को नहीं छोड़ा, अब मेरे दोस्तों पर पोछाड़ा फेर रहे हैं। इरादा बदल गया, वो तो चले गए, अब तक तो बल्ले बल्ले बर्मिंघम लेके बर्मिंघम पहुंच भी गए होंगे। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, एक भाई देख, देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है, देख भाई देख, भाई देख, भाई देख। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, एक भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।